चढ़ती कला। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। पकड़ा गया अमृतपाल, 36 दिन की फरारी के बाद मोगा से हुआ गिरफ्तार। जी हां, लंबे समय से फरार चल रहा खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह आज मोगा जिले में गिरफ्तार करने के बाद डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। अमृतपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उस पर NSA भी लगा दिया गया है। पंजाब पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त कार्रवाई में अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। अमृतपाल बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार उसकी खोज में जुटी हुई थी। अमृतपाल को पकड़ने के लिए देश भर में नेपाल बॉर्डर तक ऑपरेशन चलाए गए थे। वहीं पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर अमृतपाल सिंह के गिरफ्तार होने की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की है। अमृतपाल को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से पहले उसने गुरुद्वारे में संबोधन किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान उसने कहा कि जिस स्थान पर वह बैठे हैं वह जरनैल सिंह भिंडरांवाले का जन्म स्थान है। वह इसी धरती पर लड़े हैं और लड़ेंगे। पिछले एक महीने से जो हो रहा है उसे सभी ने देखा है। गिरफ्तारी के और भी कई तरीके थे, अगर उन्हें अपनाया जाता तो वह भी पूरा सहयोग करते। अमृतपाल ने कहा कि दुनिया की कचहरी में चाहे वह दोषी हो लेकिन सच्चे गुरु की कचहरी में नहीं है। वह झूठे केस का सामना करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। यह गिरफ्तारी अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा से गिरफ्तार किया गया। वह मोगा के गुरुद्वारा में छिपा हुआ था और वहां के ग्रंथी ने इसकी सूचना दी थी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने, झूठी खबरें न फैलाने, पहले पुष्टि करने और फिर आगे जानकारी साझा करने की अपील भी की थी। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद IG सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझी की है। उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह को आज सुबह 6:45 पर गिरफ्तार किया गया। IG सुखचैन सिंह ने दावा किया कि अमृतपाल सिंह ने सरेंडर नहीं किया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसे आज मोगा में स्थित गांव रोडे से पकड़ा गया है। IG ने बताया कि उन्हें पहले ही इनपुट मिले थे कि अमृतपाल गांव रोडे में है। इसके बाद इंटेलिजेंस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया गया। गुरुद्वारा साहिब के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गुरुद्वारा साहिब को हर तरफ से घेर लिया गया, लेकिन इस दौरान गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा को कायम रखा गया क्योंकि अमृतपाल गुरु घर के अंदर था। इसके चलते पुलिस वर्दी में गुरुद्वारा साहिब के अंदर नहीं जा सकती थी। IG गिल ने बताया कि अमृतपाल को NSA वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस तुरंत अमृतपाल को लेकर डिब्रूगढ़ रवाना हो गई। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। इस दौरान सुखचैन सिंह गिल IG ने पंजाब के लोगों का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने पंजाब में पुलिस और सरकार का पूरा सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि जब पुलिस तैनात की गई तब अमृतपाल गुरुघर में नतमस्तक हो रहा था। इसके बाद अमृतपाल के गुरुद्वारा साहिब के बाहर आने पर घेरा डालकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल सिंह को पंजाब के मोगा जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद उसके माता पिता का पहला बयान सामने आया है। अमृतपाल की मां ने कहा कि उनका बेटा शेर है और उन्हें उस पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उन्हें सुबह पता चला कि उनके बेटे ने गिरफ्तारी दे दी है और वह पूरे सिखी स्वरूप में है। इसके साथ ही अमृतपाल की माता ने उनकी बहू को एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले को लेकर कहा कि यह निंदनीय है। वहीं गिरफ्तारी को लेकर अमृतपाल के पिता ने कहा कि उनके बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, वह उसके लिए केस लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में बड़ी जानकारी सामने आई है। आतंकियों ने सेना के ट्रक को उड़ाने के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया था, जिसके सबूत मिले हैं। सेना की गाड़ी पर बम प्लांट करने के बाद आतंकियों ने करीब 36 राउंड फायरिंग की थी। नापाक वारदात को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेजी से जारी है। वहीं पुंछ में आतंकी हमले के सिलसिले में कुल 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। बता दें कि बीते गुरुवार को रोजा इफ्तारी के लिए गांव में फलरद लेकर जा रहे सेना के ट्रक पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इसमें ट्रक में आग लग गई और 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान बुरी तरह से झुलस गया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जर्मनी और रूस के बीच जो तनाव और तकरार थी वह बढ़ती ही जा रही है। खबर है कि बर्लिन स्थित रूसी दूतावास के कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर हटाने के बाद रूस ने 20 से अधिक जर्मन राजनयिकों को भी हटा दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने जर्मनी पर संबंधों को नष्ट करने का भी आरोप लगाया है। इसका मतलब अब 20 से अधिक जर्मन राजनयिकों को मॉस्को छोड़ना पड़ेगा। मालूम हो कि इससे पहले जर्मनी में पिछले साल 40 रूसी राजनयिकों को सुरक्षा खतरा का हवाला देते हुए जर्मनी से बाहर निकाला था। राजस्थान के डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के NICU में अचानक आग लग गई। आग से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई।
आग लगने का पता लगते ही एनआईसीयू में भर्ती सभी 12 बच्चों को बाहर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। आग की वजह से एनआईसीयू के सभी उपकरण जल गए। अस्पताल प्रशासन पूरे मामले की जांच करवा रहा है। बता दें कि डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नई बिल्डिंग में 3री मंजिल पर नया एनआईसीयू बनाया गया है और इस एनआईसीयू में तब अचानक आग धधक उठी जब एनआईसीयू में 12 नवजात बच्चे भर्ती थे। वार्ड से आग की लपटें उठती देखकर वहां मौजूद परिजन चिल्लाए और इसके बाद वार्ड में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि सभी नवजात बच्चे बच गए, लेकिन आग के हादसे को याद करते ही उनके परिजन सिहर उठते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद द्वारा कब्जाई गई जमीनों और मकानों को पीड़ितों को वापस लौटाने के लिए आयोग गठित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आयोग गठित कर कानूनी तरीके से पीड़ितों की संपत्तियों को उन्हें वापस दिलाया जाएगा। सीएम योगी के इस फैसले का माफिया अतीक अहमद द्वारा सताए गए पीड़ितों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद से वे पिछले कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इन लोगों को सीएम योगी के इस फैसले से उम्मीद जगी है कि उनकी संपत्ति अब उन्हें वापस मिल जाएगी। देश में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों को इससे निपटने के लिए तैयारियां बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल और राजस्थान राज्यों को पत्र लिखा है। भूषण ने सुझाव दिया कि कोरोना की निगरानी, जांच, इलाज, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन और मास्क के इस्तेमाल को लेकर सतर्कता के साथ तंत्र को मजबूत किया जाए। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता परम पावन 14वें दलाई लामा तेनचिन ग्यात्सो के इस साल अक्टूबर नवंबर में प्रदेश का दौरा करने की संभावना है। मुख्यमंत्री पेमा के अनुसार उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांति के दूत से नवंबर तक अरुणाचल की यात्रा करने के लिए अपने आश्वासन को दोहराया है। इस दौरान उन्होंने राज्य और लोगों के लिए उनका आशीर्वाद मांगा। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों सहित देश के कई राज्यों में मौसम बदल गया है। चिलचिलाती धूप के बीच मौसम सुहावना हो गया है। शनिवार की रात को हुई बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, धूल भरी तेज हवा भी चल सकती है। इसके अलावा दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक देश के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी की स्थिति से राहत मिलने के संकेत हैं। आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी और धूल भरी आंधी चलने की संभावना के साथ बादल छाए रहने का अनुमान जताया गया है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी। चढ़दी कला फास्ट।